सो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर से। और आज मैं बात करूँगा रेडमिल बिजनेस मॉल के बारे में। अगर आप कोई दुकानदार हैं या शॉपकीपर है, कभी आपने सोचा हो रेडमिल डाउनलोड करने की, तो मुझे पता नहीं ये एप्लीकेशन कैसी है कैसी नहीं, लेकिन मेरे को 15 से 20 दिन हुए हैं ये एप्लीकेशन यूज़ करते हुए। मेरे साथ जो है कि बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है। मेरे साथ गलत क्या हो रहा है, पेमेंट मिल तो रही है लेकिन बहुत ज़्यादा ही सर्विस इसकी बेकार, मान लो बहुत ही घटिया सर्विस है। कस्टमर केयर को बात करने की तमीज़ नहीं है, फ़ोन बीच में काट देते हैं, कई बार किसी के पास कोई जानकारी नहीं होती, सर्वर इशू आ रहा है बिना चेक करे, मतलब कुछ भी बोलते हैं। अब मैं दिखाना चाहूँगा आपको पासबुक में जाके, ये देख सकते हैं कैश आउट की इतनी तगड़ी प्रॉब्लम हो रही है कि अगर आपने आधार कार्ड से इसमें पैसे निकाले हुए हैं तो आपको मनी ट्रांसफ़र के रूप में ही अपने बैंक में लेने पड़ेंगे। अगर आप, जैसे कि आप जानते हैं कि इसमें एक एप्लीकेशन, इस एप्लीकेशन में एक या दो या तीन अकाउंट सेव हो जाते हैं, जिससे कि आप अपना पैसा 6 या 7 रुपए के चार्ज पे या 5 रुपए के चार्ज पे 25,000 रुपये तक अपने बैंक में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। वो चीज़ की इसमें प्रॉब्लम आ रही है, देख सकते हैं। ये 10,000 रुपये मैंने मनी ट्रांसफ़र किया, जो कि यहाँ देख सकते हैं फेलियर, ठीक है। उसके बाद फिर 5,000 रुपये किया, यहाँ देख सकते हैं वो सक्सेस। यहाँ देख सकते हैं 10,000 रुपये मैंने ट्रांसफ़र किया फेलियर। अब देख लेते हैं 24,095 रुपये क्रेडिट ये मेरे अकाउंट में आए हैं, जो कि 24 तारीख को मैंने ये ट्रांसफ़र किए थे 25,000 रुपये, सॉरी ट्रांसफ़र नहीं कह सकते, कैश आउट किया था अपने बैंक में, जिसमें के 5 रुपये कट होके 24,995 मेरे अकाउंट में आते हैं। लेकिन 24 तारीख के बाद से कल की डेट में, यानी कि 29 तारीख को ये पैसे मेरे पास आए हैं। कस्टमर केयर में फ़ोन कर करके मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। यहाँ देख सकते हैं आप, ये मैंने 20,000 रुपये कैश आउट किए थे, वो भी पेंडिंग में थे, और ये पेंडिंग कल रिफ़ंड क्रेडिट हुए हैं मुझे। इसमें भी मेरे 7 रुपये कटे हैं, मतलब कि अगर इनकी तरफ से कोई ऐसी प्रॉब्लम होगी तो ये जो अपना प्रॉफिट है वो काट के आपको 10 दिन में ही आपको देते हैं, अगर आप कस्टमर केयर में फ़ोन करते हैं तो। ये आपसे बिना कुछ चेक करे कह देते हैं कि सर सर्वर इशू है और इवनिंग तक आपके पैसे आपके अकाउंट में आ जाएंगे। यानी कि इवनिंग का मतलब है 6:30 बजे के बाद आप कस्टमर केयर में फ़ोन नहीं कर सकते, और 6:30 बजे तक का आपको दिलासा दे के ये छोड़ देते हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा। सो दोस्तों, यहाँ देख भी सकते हैं आप, वी आर अवेलेबल एवरी डे फ्रॉम 10 से 6:30 बजे तक। ये दोस्तों सुबह 10 बजे से 6:30 बजे तक ही आप इनसे बात कर सकते हैं। 6:30 बजे तक का ये आपको एक लॉलीपॉप दे देते हैं जिसे आप चूसो, 6:30 बजे बाद कस्टमर केयर में फ़ोन नहीं मिलता। अगले दिन ये फिर इवनिंग तक का टाइम दे देते हैं, इनके पास कोई भी एक कंफर्म कोई भी चीज़ इनके पास नहीं है जो आपको ये बता सके, सर हमें इन्फॉर्मेशन मिली है इस तरीके की बात करते हैं कि इवनिंग तक आपके पैसे आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे, और किसी भी तरीके का कोई सोल्यूशन नहीं निकलता है। इतना परेशान हो के मेरे अकाउंट में कल 45,000 रुपये रिफ़ंड आए, ये 24 तारीख के बाद से आप लगा लो कि कल 29 तारीख थी। इतने दिन अगर कस्टमर के 45,000 रुपये किसी दुकानदार के फंसे होंगे तो किस तरीके से वो काम करेगा, ये आप समझ सकते हो अगर आप कोई दुकानदार हो तो। और रिफ़ंड आने के बाद फिर 10,000 रुपये, जैसे ही मैंने ट्राई के लिए, 25,000 तो मैंने नहीं किए, 10,000 रुपये जैसे ही मैं करता हूँ 10,000 रुपये फिर वो फंस जाते हैं, जिसके लिए मैंने आज सुबह मॉर्निंग में बात करी है तो मेरे से ये कहते हैं कि सर इसके लिए आपको कल तक का वेट करना पड़ेगा। देख सकते हैं यहाँ फेलियर है, लेकिन अकाउंट से पैसा कट चुका है। यहाँ देख सकते हैं 24,585 रुपये है, 10,000 रुपये ये हो गए आपके जो फंसे हैं, तो हो गए 34,000, वो 5,000 रुपये करके मैंने अपने बैंक में मैंने ट्रांसफ़र किए थे। वो ट्रांसफ़र करे हैं तो चार्जेस कटे हैं तो पेमेंट आ गई है, लेकिन अगर कैश आउट करते हैं तो पेमेंट नहीं आ रही है। तो मेरा मानना यही है दोस्तों, अगर ये आप एप्लीकेशन यूज़ करना चाहते हैं तो बहुत ज़्यादा ध्यान से दोस्तों, मेरे हिसाब से ये एप्लीकेशन बिल्कुल ही घटिया एप्लीकेशन है।